नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हम आए हैं ढाबी टेकचंद गांव में। वहां पे हमारे साथ मौजूद हैं शमशेर जी, जो जैविक किसान है, ऑर्गेनिक फार्मर है। ये प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं और जब यहाँ पे आए, इनके पास मिश्रित खेती के अलग अलग तरह के 3-4 मॉडल हैं जो देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने अपने खेत में लगभग 5-6 सालों से कोई जहर नहीं डाला है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे अपने खेत में ये पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरा करते हैं और किस किस तरह से इनकी पूरा जो इन्होंने संरचना बनाई है उसके बारे में। तो शमशेर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, अपने बारे में बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। साथियों, मेरा नाम शमशेर सिंह है, डाबी टेक सिंह गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो शमशेर जी, जैसे कि अभी जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता लगा यहाँ पे आपने बायोगैस प्लांट अपने खेत में लगाया है और जो इसका जो बाद में जो इसका खाद तैयार होता है उसको आप अपने खेत में पोषक तत्वों के रूप में यूज करते हो। तो उसके बारे में बताइए एक बार कि कैसे कैसे पूरी विधि के बायोगैस प्लांट में कैसे गैस बनती है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये खाद बनकर तैयार होता है। सर, बायोगैस है जैसे अपने अंदर इसके बरामद है, अपने पशु वहाँ बनते हैं, पशु बनते हैं, उसकी बायोगैस की जो इनलेट है गोबर पशुओं का उसके अंदर और इसके नीचे जहाँ पर खड़े हैं इसके नीचे कुआ है। अच्छा, इसके नीचे कुआ है, कुआ है, उस कुएं के अंदर इनलेट है। इनलेट में आप गोबर और जो गाय भैंसों का मूत्र है वो डालते हैं। हाँ, उस इनलेट से इस कुएं के अंदर आता है, यहाँ से गैस बनेगी। गैस बनने के बाद ये इस गैस से गैस का यूज होता है। हाँ, ये पाइपलाइन और इसके बाद ये इसका आउटलेट है। अच्छा, ये यहाँ से जो गोबर गैस होता है, गैस निकलने के बाद फिर वो यहाँ पे आता है। हाँ, ये सलरी इधर से आउटलेट है और ये अच्छा। सीधा पक्के खाड़ में मैंने इसकी आउटलेट बना रखी है। मतलब ये जो सलरी है जो जो गैस निकलने के बाद जो देसी खाद बन के तैयार हो गया जो ओके, वो आप यहाँ से आउटलेट के थ्रू आप निकालते हो। ये रहा, जैसे ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये निकल गया यहाँ पे। सर, इसके जैसे बायोगैस प्लांट सिर्फ यहाँ तक है। अच्छा, यहाँ तक है, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ना बाग लगाने के लिए थोड़ा केंचुआ खाद वगैरह तैयार करने के लिए केंचुआ खाद बना रखी है। इसके नीचे मेरा टैंक है लगभग 2 ट्रॉली जितना। ये देखिए, बिल्कुल ये केंचुआ खाद है, खाद बिल्कुल काली है और बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। देखो, बिल्कुल काली खाद है, बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर केंचुए हैं। हाँ, ये देख रहे हैं, अभी केंचुए इसके अंदर, ये देखिए, ये केंचुए इसके अंदर है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है जी कि आपने खेत में अपने सारे जितने पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति के लिए वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रहे हो। बिल्कुल सर, और जो देसी खाद है वो भी तैयार कर रहे हो, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अच्छा, उसके बाद आइएगा एक बार। मैंने सर, जैसे यहाँ तक प्रोसेस पूरा गया, यहाँ सलरी, वैसे इसके बाद ना मैंने इकट्ठा करने के लिए, स्टोक करने के लिए भी एक टैंक बनाया, अंडरग्राउंड बनाया है। मेरे कई साथी ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरे साथ जुड़े हैं, उनको अगर जरूरत होती है तो मैं इस टैंक से उनको दे देता हूँ। टैंक से भर के ले जाते हैं अपने खेत में, ठीक है, और डाल देते हैं। और जैसे और मुझे जैसे जरूरत होती है, मैं इस गैस को जैसे बंद करता हूँ, कंटिन्यू चलती है ये, इसको बंद करता हूँ तो गैस प्रेस होगी, इसको सलरी को बाहर निकालेगी और ये पक्के खाल में गिरेगी जाके। अच्छा, ये पक्के खाल में गिर जाएगी, ठीक है। उधर से फिर मैं पानी छोड़ देता हूँ और सीधा खेत में। अच्छा, मतलब सीधी बात ये है कि यहीं से सारा सलरी, यहीं से जो जितना भी मूत्र और जो देसी खाद है पानी के साथ सीधा खेत के। बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर दो बात, जैसे टैंक है इसके अंदर मैं जीव अमृत का काम भी करवा देता हूँ, जीव अमृत का, ठीक बात है। जो ये मैली वगैरह है और कोई मिठा वगैरह देखो इसके अंदर पड़ी है, मैं इसके अंदर डलवा देता हूँ, ठीक है। जीव अमृत बन के फिर और जो बैक्टीरिया वगैरह भूमि के होते हैं ना, बिल्कुल वो पूरे एक्टिव कर देते हैं जीवामृत। बिल्कुल, जीवामृत तो उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जीवामृत की, जो आप देख सकते हो। ये भी नेचुरल तरीका मेरा। बिल्कुल, जीवामृत का जो मुख्य उपयोग है वो है कि हमारी भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने में और उसमें बैक्टीरिया है उनको एक्टिव करने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, बताइएगा जैसे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लिया आपने और उसके बाद जो सैलरी है यहाँ से आउट होकर खेत के अंदर चली गई। ये वर्मी कंपोस्ट सर मैंने अलग, मैंने ना बाग लगाए एक एकड़ में। अच्छा, एक एकड़ में बाग है। मेरे पास बाग भी मिक्स बाग है, जैसे 100 पौधे अमरूद के हैं, 100 किन्नू के भी हैं, 100 मौसमी के भी हैं, ठीक है, कुछ लीची भी है, कुछ जैसे ये क्या नाम अमरूद के, सॉरी नींबू के हैं, ठीक है। आने वाले एक साल के बाद मैं हल्दी और नींबू अचार का काम करना चाहता हूँ सर, ठीक है, और वो भी मैं बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से करूंगा, क्योंकि बाहर से मुझे कुछ ना तो हल्दी खरीदने पड़े और ना ही अचार में प्रयोग होने वाला कोई आइटम। बिल्कुल सही बात है ये। तो मैं अपने खेत में इस तरह से मॉडल तैयार किया बाग का भी, आने वाले टाइम में जैसे अचार की भी पूर्ति करेगा और जैसे कोई बंदा कुछ सामान लेने आया, जैसे कोल्लू पे आ गया, तो
शायद उसको क्या पता कौन सा फल मिल जाए, पसंद आ जाए, और क्या पता कौन सा चावल, मेरे पास बासमती का चावल मैं रखता हूँ वो 150 रुपए किलो, और सरसों कुछ भी ला ले, मैं सारे प्रोडक्ट अपने यही बेचना चाहता हूँ सर, इस मॉडल मैंने ये मॉडल तैयार किया है। बिल्कुल, मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे भी कहीं ना कहीं शमशेर भाई की बात बहुत अच्छी लगी है कि अगर कोई गुड़ खरीदने के लिए आ गया, उसने यहाँ पे आके देखा कि अमरूद भी है, उसने आके देखा किन्नू भी है, उसने आके देखा यहाँ पे कि सब्जियां भी है, तो यहीं से लेके जाए क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे अच्छी बात यह है। बिल्कुल सर। और जैसे मैं बाकी दर्शकों के बाद बताना चाहता हूँ कि शमशेर जी आज F2DF ऐप को यूज कर रहे हैं, जिसमें F2DF का मतलब फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर और फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब एक किसान के लिए हम एक ऑनलाइन दुकान बना के दे देंगे, उसमें अपने सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सके वो, और हर एक आदमी के पास जानकारी हो कि फलाना आदमी है, फलाना किसान है, वो क्या क्या चीजें उगा रहा है ताकि उससे खरीद पाए। रसोई की सर सारे प्रोडक्ट अपने खेत में अवेलेबल करवाना चाहता हूँ आदमी को सर। बिल्कुल, क्योंकि ये ना हो कि अपने पास यहाँ कोई बंदा सामान लेने आ गया, किसी भी तरह की कोई कमी रहेगी। बिल्कुल, के अलावा मैं सब कुछ यहाँ देने से अपना खुद का मोल बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात देखिए किसान साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सुन के जान के मुझे भी अच्छा लगा है, वो है कि किसान का खुद का ब्रांड होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय आप किसी शॉपिंग मॉल में जाके खरीदे, बजाय इजी डे किसी दूसरे उस पर जाके खरीदे, भाई किसान से खरीदो, किसान का खुद का शॉपिंग मॉल बन चुका है, और किसान के इन्होंने जो खुद की ऑनलाइन जो दुकान थी, दुकान तो इन्होंने पूरा शॉपिंग मॉल तो यहाँ पे अपने खेत में बना दिया है, और जहां तक बात करें इनकी डिजिटल दुकान की, वो F2DF ने बना के इनको दे दी है। फायदा सिर्फ किसान साथी का है, हमारा यही उद्देश्य था मुख्य। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा, हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसान का विकास हो सके, किसान की प्रगति हो सके, जिससे किसान जो है सक्षम बने, उसके पास पैसा है, क्योंकि उसका भी हक है, उसका भी अधिकार है। किसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसका हक बनता है कि उसको भी अच्छा दाम मिले, अच्छा प्राइस मिले। हम इसके लिए प्रयासरत हैं, आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा, और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।